हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का लाइफ साइंस में जो मेरा लेसन है, उस लेसन का नाम है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए शुरू करते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हम आपको इस लेसन के बारे में एक मिसाल से हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। कि फर्स्ट कह लीजिए कि बॉम्बे शहर के एक प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा रो रहा है। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने उसे पूछा, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चा ने कहा कि मैं गुम हो गया हूं। तो पुलिस ने पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो? बच्चे ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो फिर पूछा कि बिहार में कहां रहते हो? तो उसने कहा बिहार में मैं भागलपुर में रहता हूं। तो देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उस इतने बड़े मुल्क के एक बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पर जो है वो बच्चा गुम हो गया था और रो रहा था। अब उसका पता लगाना है कि वो बच्चा का घर कहाँ है। तो बच्चे ने सबसे पहले जवाब दिया कि मैं बिहार में रहता हूँ। देखिए, पुलिस को आसानी हो गई कि पूरे इंडिया में जो है वो बिहार को लोकेट कर लिया। फिर पूछा बिहार में कहाँ रहते, तो उसने कहा कि मैं भागलपुर में रहता हूँ। अब भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अब वहां से पुलिस को फिर आसानी हो गई, फिर उस बच्चे को उस डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में लेके चला गया। फिर पूछा भाई तुम इस भागलपुर में कहाँ रहते हो, किस पोस्ट ऑफिस के अंदर में रहते हो, तुम्हारे पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है? तो उसने कहा मेरे पोस्ट ऑफिस का नाम है नाथनगर। अब वो नाथनगर पोस्ट ऑफिस के जो अंडर में चला गया था, पूछा कि अब किस गांव में रहते हो? तो उसने अपना गांव का नाम बता दिया। तो देखिए, इससे क्या हुआ, एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि एक मुल्क को जो है, जैसे फर्ज कर लीजिए हमारा एक मुल्क हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुल्क है, इसको कंट्री, इस कंट्री को कई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, वगैरह वगैरह। फिर हर एक स्टेट को जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल एक स्टेट है। अब इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि हुगली है, हावड़ा है, नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, बीरभूम है, वगैरह वगैरह। अब हर डिस्ट्रिक्ट को जो है कई सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हुगली एक जिला है, इस जिले को डिवाइड कर दिया गया है चंदन नगर सब डिवीजन, फिर चिंसूरा सब डिवीजन। अब हर सब डिवीजन के अंदर में एक पुलिस स्टेशन आता है, फिर उसके अंदर में पोस्ट ऑफिस आता है। तो इससे क्या हुआ कि एक मुल्क को जब कई इस तरह से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स में तकसीम कर दिया गया, तो इससे क्या फायदा हुआ, इसे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है फायदा होता है, ठीक है। या किसी आदमी को कोई अगर सामान भेजना है, तो भाई हम सामान कहाँ भेजेंगे, किस स्टेट में भेजेंगे, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, तो इससे ये तमाम चीजें फायदा होता है। उसी तरह से जो है इस जमीन पर हजारों लिविंग बींग्स है। हमने शुरू में आपको बताया था कि हम पौधों को भी लिविंग बींग्स मानते हैं और एनिमल्स को भी लिविंग बींग्स मानते हैं। ये दोनों ही लिविंग बींग्स में जो है शामिल है, दोनों के अंदर में ही जो है लाइफ है। तो इस जमीन के ऊपर जो है बेशुमार जो है पेड़ पौधे दरख्त है, और इसी जमीन बेशुमार जो है अनगिनत जो है जानवर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। कुछ जानवर नजर से आता है, कुछ जानवर नजर से नहीं आता, कुछ जानवर इतने बारीक है कि सिर्फ उसको आंख एकदम बार, जैसे मान लीजिए कि जूई है या खटमल है। और कुछ जो है जानवर जानदार ऐसे कि उससे भी जो है मैंने छोटे है कि जो खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कहने मतलब कि अनगिनत जानवर इस जमीन के ऊपर है। अब सवाल है कि इनको कैसे स्टडी किया जाएगा, कैसे मुताले किया जाएगा? तो इसके मुताले के आसानी के लिए जो है ये तमाम लिविंग बींग्स को, इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल, सबको जो है क्या कर दिया गया है, एक डिवाइड कर दिया गया है। आप जैसे प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स को जो है एक अलग डिविजन बना दिया गया है, प्लांट किंगडम। अब एनिमल्स को जो है फिर जो है एक एनिमल्स का एक अलग किंगडम बना दिया गया है, एनिमल किंगडम। अब प्लांट जो है, प्लांट जो है को जब एक किंगडम बना दिया गया, अब प्लांट भी जो लिविंग बींग्स है, एनिमल्स भी लिविंग बींग्स है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, दोनों में मैंने लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंसेस के बिना पर जो है एनिमल्स को अलग रख दिया गया, प्लांट्स को अलग रख दिया गया, लेकिन तमाम प्लांट्स को जो एक ग्रुप में रख दिया गया प्लांट किंगडम, उसको किस बेसिस पर रखा गया, सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर, कुछ मुशाबहात के बिना पर जिसको एक ग्रुप में रख दिया गया। तो कहने का मतलब है
ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को किस तरह से जो है क्लासिफाई किया जाए, तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे जो शुरू में किया गया कि सबसे पहले किंगडम बनाया गया, किंगडम। अब इस किंगडम के अंदर में एक प्लांट किंगडम अलग हो गया और एनिमल किंगडम अलग हो गया। जैसे कंट्री है, कंट्री को पहले किस में डिवाइड किया गया, स्टेट्स के अंदर में डिवाइड किया गया। तो किंगडम को डिवाइड किया गया, पहले सबको किंगडम किंगडम में रखा गया, तो एक प्लांट किंगडम हो गया और एक एनिमल किंगडम हो गया। अब किंगडम को जो है फिर आगे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, सब डिविजन किंगडम को डिवाइड किया गया। तो किस में डिवाइड किया गया, किंगडम को डिवाइड किया गया फाइलम में, फाइलम में। अच्छा, एनिमल एनिमल किंगडम में हम फाइलम लिखते हैं और प्लांट किंगडम में हम डिवीजन लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब फाइलम को जो है फिर उसको डिवाइड कर किया गया, तो फाइलम को डिवाइड करके क्लास बनाया गया, फिर क्लास को डिवाइड करके बनाया गया ऑर्डर, ऑर्डर को डिवाइड करके बनाया गया फैमिली, उसी तरह से फिर जीनस और लास्ट में स्पीसीज। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में कितने सब, इसमें कितने सब डिवीजन से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन इसके अंदर में डिवीजन है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो शुरू में याद रखिएगा किंगडम, अब उसके बाद पीसीओ याद रखिएगा। पीसीओ आप लोग जो है पुराने जमाने में पीसीओ में जाकर टेलीफोन बूथ में जाकर फोन करते थे, पीसीओ। तो पीसीओ याद रखिएगा, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, उसके बाद याद रखिएगा फैमिली और जीनस और स्पीसीज। तो ये जो सेवन लेवल्स, जो ये देखिए सात लेवल हो गया नीचे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेवन लेवल्स जो डिवीजन है इसको कहा जाता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि हम, जैसे मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, इंसान को जो है मतलब किस तरह से जो है इसमें प्लेस किया गया है, इंसान को देखिए प्लेस किया, क्योंकि हम लोग एनिमल ग्रुप में, हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, इसलिए हमको, हमारे किंगडम का क्या नाम है, एनिमेलिया। हमारे किंगडम का क्या नाम है, एनिमल। जितने भी जानवर है उसको प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है, उसको उसके किंगडम का नाम है एनिमेलिया। अब उसके बाद फाइलम, फाइलम, अब उस फाइलम का क्या नाम है, कॉर्डेटा। मतलब कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, अगर जानवरों के अंदर में जो है क्या मुशाहबियत देखा गया कि अगर इसके अंदर में बैक बोन पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जितने जानवरों के अंदर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उसको रखा गया कॉर्डेटा में, उसके फाइलम का नाम हो गया कॉर्डेटा। अब उसके बाद फिर जो है, उसके बाद अब कॉर्डेटा जो फाइलम के अंदर में जितने जानवर को मैंने रख दिया गया, अब इसमें फिर ये देखा गया कि इसमें कौन कौन से जो है ना मैंने दूध पिलाने वाले जानवर हैं, मैंने कौन कौन से दूध पिलाने वाले जानवर हैं, तो जो जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं उसको फिर जो है उसके क्लास का नाम रख दिया गया मैमेलिया। इसी तरह से ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर का नाम हो गया प्राइमेट्स, फैमिली का नाम हो गया होमिनिडे, जीनस का नाम हो गया होमो, स्पीसीज का नाम हो गया सेपियंस। तो ये जो है आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब के जितने भी जानवर हैं, जानवर जितने भी जानदार हैं, चाहे वो माने पेड़ पौधे हो या आपका वो जो है जानवर हो, इसका जो है जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उस क्लासिफिकेशन जो है सेवन लेवल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन है। तो ऊपर से अगर हम नीचे में आएंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसी को कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक पिरामिड के शक्ल में बनता है, जैसे पिरामिड होता है आपका ट्रायंगुलर होता है, उसी तरह से है ये आपका ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा, कोई हमारे ख्याल से इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए आप लोग तो हिंदी फिल्म देखते होंगे, तो बहुत से हीरो के आप लोग नाम जानते होंगे, जैसे दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद, राजकुमार, क्या आप जानते हैं कि इनका असली नाम क्या है,
इनका असली नाम जैसे मान लीजिए कि दिलीप कुमार का असली नाम है यूसुफ खान, आपका अशोक कुमार का असली नाम है कुमुदलाल गांगुली, उसे दादामुनि भी कहते हैं, और इसी तरह से देवानंद का नाम है धर्मदेव किशोरी मल आनंद, और राजकुमार का नाम है कुलभूषण पंडित। ये लोग का असली नाम ये था, लेकिन ये जब फिल्मी की दुनिया में जब आए, जब बॉम्बे में आए, जब फिल्मों में मैंने काम करना शुरू किया तो इनके नाम बदल दिए गए, इनके नाम बदल कर दूसरा नाम रख दिया कि जिसे हम जिसे कहा जाता है बॉलीवुड नेम, ठीक है, बॉलीवुड नेम कहा जाता है उनको, असली नाम से लोग शायद ही कोई जानते होंगे। तो ये जितने भी हीरो का हमने नाम लिया इनको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, मैंने बॉलीवुड ने इसका एक नाम दिया। अब देखिए इस जमीन पर जो है मैंने ना जाने कितने जो है लैंग्वेजेस बोले जाते हैं हमारे मुल्क में, तो 1400 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और पूरी दुनिया में पता नहीं और कितने लैंग्वेजेस बोले जाते होंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि शेर है, शेर को हिंदी में कहते हैं सिंह, अंग्रेजी में कहते हैं लायन, उर्दू में कहते हैं शेर, अब पता नहीं और कौन कौन सी जो है लैंग्वेज में इनका क्या क्या नाम होगा। तो जितनी लैंग्वेज है उतने ही जो एक ऑर्गेनिज्म का या एक जानदार का नाम हो सकता है एकदम। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत परेशानी हो जाती है कि एक जानवर को मुख्तलिफ नामों से जानना एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक इंडियन आदमी हो सकता है शेर को शेर के नाम से जानता हो, लेकिन वो नहीं उसको नहीं मालूम होगा कि चाइनीज जो है शेर को क्या कहते होंगे, मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारे जानवरों के नाम हो सकते हैं, प्राणी के नाम हो सकते हैं, दुनिया में पता नहीं किन किन नामों से कौन कौन से प्राणी को पुकारा जाता है या जानवर को पुकारा जाता है। तो साइंसदानों ने एक काम किया कि उसने एक जो है साइंटिफिक नेम रख दिया हर एक प्लांट के बारे में और एक जानवर के बारे में साइंटिफिक नेम। जैसे फिल्मी दुनिया में हीरो का एक बॉलीवुड नेम दे दिया गया, उसी तरह से साइंसदानों ने क्या किया कि जानदारों का एक साइंटिफिक नेम दे दिया। अब साइंटिफिक नेम देखिए यहां पर हमने जैसे लिखा है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो सब कोई जानता है मैंगो क्या होता है, मैंगो अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं और हिंदी में और उर्दू में आम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं और दूसरे जुबानों में इसे क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम जो है साइंसदानों ने दे दिया, जिसको कहा जाता है जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। उसी तरह से देखिए शेर है, शेर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, लेपर्ड का नाम है पैंथेरा पार्डस। उसी तरह से ह्यूमन का हम लोग मैन का क्या नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस ये ह्यूमन बीइंग का मैन का ये साइंटिफिक नेम है। अब यहां पर देखिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैंगीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, होमो सैपियंस। आप इसमें गौर कीजिए इस हर नाम में दो पार्ट है, इट इज ए टू पार्ट नेम। हम लोग भी नाम अपने रखते हैं, हम लोग का नाम किसी का नाम का तीन हिस्सा होता है, किसी का नाम का चार हिस्सा। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए ना, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद अनवर खान, मेरा नाम में चार पार्ट है, माइन इज ए फोर पार्ट नेम, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नेम जितने भी रखा गया है प्लांट का या एनिमल का, ये टू पार्ट नेम है, सिर्फ दो हिस्सों पर, दो टुकड़ों पर ये मुश्तमिल होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, टू पार्ट नेम है। अब इसमें आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया है,
पहला जो मैंगीफेरा है इसका कैपिटल, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है नाम का जो फर्स्ट पार्ट है इसका लेटर कैपिटल है, लेकिन इंडिका जो नाम शुरू हो रहा है उसका पहला लेटर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए पैंथेरा लियो में जो फर्स्ट पार्ट नेम है पैंथेरा उसका पी कैपिटल है, लेकिन लियो का जो है फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है। उसी तरह टाइगर, टाइगर का, लेपर्ड का, या होमोसेपियंस में एस को हम स्मॉल कर देते हैं, ये होमो होमोसेपियंस, इसका भी नाम इसका पहला लेटर एस जो है स्मॉल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये टू पार्ट नेम है। अच्छा, और दूसरी बात देखिए, आपको नाभि से समझ में आ रहा है पैंथेरा लियो, ये कोई अंग्रेजी नाम नहीं आ रहा है, ये ना अंग्रेजी नाम है ना कोई फ्रेंच नेम है और ना ही ये कोई मैंने उर्दू नेम है ना हिंदी नेम है, पैंथेरा लियो या पैंथेटाइग्रीस ये लैटिन नेम है, ये नाम लैटिन नेम है। तो हमने यहां क्या देखा कि लैट ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं मैंने जानदारों के, ये लैटिन नेम्स होते हैं। अच्छा, नाम के दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं। अच्छा, और क्या देखिए, देखिए इसको कि इसको अंडरलाइन किया गया है, इन नामों पर अंडरलाइन किया गया। याद रखिएगा, हाथ से जब हम लिखेंगे नाम को किसी भी जानदार का, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जब उसका साइंटिफिक नेम हाथ से हम लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं, दोनों पार्ट को अंडरलाइन करते हैं। लेकिन अगर ये छप कर आता है, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा तो वो इटैलिक रहेगा, टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, इटैलिक। लिखते वक्त इसको जो है सीधा लिखेंगे, लेकिन हर एक पार्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, देखिए मैंगीफेरा ये जो फर्स्ट पार्ट जो नेम है, इस फर्स्ट पार्ट नेम को हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और जो सेकंड पार्ट जो नाम है उसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम। मतलब क्या हुआ, हमने क्लासिफिकेशन में ही पढ़ाया था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो ये जो जेनेरिक नेम है मतलब क्या हुआ, ये उसका जीनस बतलाता है, जेनेरिक नेम मतलब इसका जीनस बतलाता है, और स्पेसिफिक नेम का मतलब क्या हुआ, उसका स्पीसीज बतलाता है, याद रखिएगा। तो साइंटिफिक नेम, जानदारों के साइंटिफिक नेम जो लिखा जाएगा तो उसके कुछ असूल है, कुछ रूल्स है। रूल्स क्या हुआ, पहला नंबर कि इनके नाम जो है लैटिन होंगे, दूसरा रूल क्या हुआ, इसके टू पार्ट नेम होंगे, ये टू पार्ट नेम, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो जेनेरिक नेम होगा, सेकंड पार्ट जो होगा स्पेसिफिक नेम होगा, थर्ड क्या रूल होगा कि इसको जब हाथ से लिखेंगे तो दोनों ही पार्ट को हम अंडरलाइन करेंगे, चौथा रूल क्या हुआ कि जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होगा। ये रूल्स है, इसको कहा जाता है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, देखिए नोमेनक्लेचर भी लैटिन नेम है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, नोमेन जिसका मतलब होता है नेम, क्लियर माने कॉलिंग, नेम कॉलिंग नाम किसी को पुकारना, नेम कॉलिंग का मतलब क्या हुआ, टू कॉल नेम, टू कॉल नेम मतलब किसी को किसी के नाम से पुकारना। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है किसी जानदार को नाम देना, किसी जानदार को उसके नाम से पुकारना। अब बाइनोमियल का मतलब होता है टू पार्ट, बाइनोमियल का मतलब होता है टू पार्ट, याद रखिए बाइनोमियल मींस टू पार्ट, नोमेनक्लेचर नेम कॉलिंग। तब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक वो सिस्टम है जिसमें जानदारों के साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक वो तंजीम, वो सिस्टम है, एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक जो है, एक नेमिंग ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ लिविंग बींग्स है, ठीक है, जानदारों के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक
नाम लिखने को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो याद रखिएगा इसके दो पार्ट हुए, पहला रूल क्या हुआ कि लैटिन नेम होंगे, दूसरा क्या हुआ टू पार्ट नेम होंगे, फर्स्ट पार्ट जेनेरिक नेम होगा, सेकंड पार्ट स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होगा। आखिर इसको हाथ से लिखेंगे तो दोनों ही पार्ट को अंडरलाइन करेंगे, और अगर छप कर आएगा तो इसको इटैलिक में लिखेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में। तो ये हुआ रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक चीज यहां पर देखिए, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इन तीनों का ये जेनेरिक नेम पैंथेरा 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 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लायन, टाइगर, लेपर्ड अगर तीनों को एक जगह अगर आप रख देंगे, शेर को, चीता को, बाघ को, तो इसमें ज्यादातर आपको मुशाबहत नजर आएंगे, सिमिलरिटीज उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगा। इस सिमिलरिटीज के बिना पर जो है इन तीनों माने जानवरों का, जानदारों का जीनस जो है पैंथेरा रखा गया है। याद रखिएगा कि शेर का, टाइगर का, लेपर्ड का, चीता का, अगर हम एक जगह उसको, हम तीनों जानवर को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें ममासलत ज्यादा है, मुशाबहत ज्यादा है, सिमिलरिटीज ज्यादा है। इसी सिमिलरिटीज के बिना पर इन तीनों जानवरों का जीनस सेम है, पैंथेरा है, लेकिन स्पेसिफिक नेम तीनों का अलग अलग है। इस वजह से हुआ कि फिर भी जो है ये तीनों जानवर आपस में एक दूसरे से जुदागाना है, मुख्तलिफ है, कुछ तो है जो डिफरेंट है। मतलब जो ये जो शेर जो है बाघ नहीं है, बाघ शेर नहीं है, और चीता जो लेपर्ड है वो नाइदर लायन है नॉट टाइगर है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंसेस भी है, तो डिफरेंसेस के बिना पर इनका स्पेसिफिक नेम अलग है, लेकिन सिमिलरिटीज के बिना पर इनको, इसको सेम जो है जीनस में रखा गया है, यानी पैंथेरा में रखा गया है। अब हम आपको, अब यहां पर देखिए, जैसे इंसान का होमो सैपियंस, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है, आपको शायद पता होगा कि एक और होमो इरेक्टस, इरेक्टस, होमो नियांडरथल। देखिए यहां पर देखिए, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो नियांडरथल, हम आज जमीन पर जो इंसान जो बसा हुआ है, जो नजर आ रहा है, हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि आज से नहीं, मिलियन ईयर्स अगो, लाखों साल पहले इस जमीन पर होमो सैपियंस के आने से पहले हमारे ही तरह के जो है एक और मखलूक था जो इंसान से मिलता जुलता था, मिलता जुलता शक्ल वाला, इंसान जैसा ही शक्ल वाला जो है एक मखलूक था, जिसको हम लोग होमो इरेक्टस कहते थे, और फिर उससे भी जुदागाना डिफरेंट एक और मखलूक था जिसको होमो नियांडरथल कहते हैं, होमो इरेक्टस। तो हम लोग होमो सैपियंस है, लेकिन हमसे पहले जो इस जमीन पर एक और मखलूक इंसान की तरह ही देखने वाला, इंसान की तरह दिखाई देने वाला, सॉरी इंसान की तरह ही दिखाई देने वाला, इंसान की तरह मिलता जुलता शक्ल सूरत वाला एक और मखलूक इस दुनिया में मौजूद था, जो कि किसी वजह से जो है, मतलब जो है मैंने हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, लेकिन एक जमाने में ये भी मखलूक था। ये साइंस का कहना है, ठीक है। तो जिसको इसके बहुत सारे जो स्केलेटन्स पाए गए हैं, फॉसिल रिकॉर्ड पाए गए, उस फॉसिल रिकॉर्ड और स्केलेटन के बिना पर ही जो है कहा जाता है कि होमो सैपियंस से पहले भी इस जमीन पर होमो इरेक्टस रह चुका है, होमो नियांडरथल रह चुका है। यानी देखिए, होमो माने ये जो तीनों अलग अलग जो है, जो मखलूक है, इन तीनों में चूंकि सिमिलैरिटी एक जैसा था, इंसान की तरह ही देखने में दिखाई देता था, इसलिए इनका जीनस जो है एक ही है, होमो। लेकिन चूंकि फिर भी ये अलग अलग थे, हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए होमो सैपियंस हम लोग हैं सीधा खड़ा होकर चल पाते हैं, लेकिन होमो नियांडरथल या उससे और भी पहले जो मखलूक था वो इस तरह से झुक कर जमीन पर चलता था, और जो मखलूक था होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस था वो थोड़ा सीधा था, इरेक्टस का मतलब इरेक्ट,
अपराइट मैन जो सीधा खड़ा रहे उसको होमो इरेक्टस कहा जाता है, लेकिन उससे पहले जो मखलूक था वो ऐसे झुका हुआ था, उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा। तो ये डिफरेंसेस थे, लेकिन मुमासलत था कि देखने में इंसान के इतने नजर आता था। तो ये हुआ आपका साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग बींग्स का, जो कि तो साइंटिफिक बींग्स साइंटिफिक नेम एनिमल्स का लिखने का तरीका रूल्स बता दिए गए कि बता दिए गए, और ये जो सिस्टम जो नाम लिखने का एनिमल्स को जो साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका जो है इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ही जो है साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग बींग्स का जो है इंट्रोड्यूस किया। उसका 1707 में पैदाइश है और 1777 में उसकी मौत वाक्य हो गई। तो ये था आज का हमारा लेसन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। अच्छा, आराम से एक आखिरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, सिर्फ आप मत देखिए, आप दूसरों को भी दिखाइए, आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने क्लासमेट्स को दिखलाइए, उसको भी कहिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आओ सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। थैंक यू वेरी मच।